Now, Sabka Dhan yahan pe. The name of the chapter is trade. This is chapter number 9 in your textbook. Now, this is a part of economics, so please consider it over here, and it is very much important. Okay, so let us start with trade. Now, ye sab main recap kara raha hu, to aapko bahut kuch isme malum bhi rahega. Now, if you talk about trade, what is trade first of all? Pehla trade kya hai wo janna zaruri hai, because ye chapter ka naam hai, humko pata rehna chahiye ki trade kya hota hai. Agar trade ka baat karu to usko bolte hain buying and selling of goods and services. ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब अगर आप नीचे आपके ग्रोसरी शॉप में जाएंगे और वहां पे से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसको हम ट्रेड बोलेंगे क्या? यस, उसको अपन ट्रेड बोल सकते हैं. ठीक है, बिकॉज वहां पे भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है. तो बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी और इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ट्रेड. और किसका ट्रेड हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेस. ये याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेस के बिना ट्रेड होगा नहीं. ठीक है, क्या खरीदोगे और क्या बेचोगे. ओके, इफ यू टॉक अबाउट ट्रेड, व्हाई डू वी डू ट्रेड, मतलब ट्रेड क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है. नाउ वी डू ट्रेड बिकॉज ह्यूमन हैव बेसिक नीड्स टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस गुड्स and these goods are supplied to the end consumer with the help of trade. ठीक है, हम trade क्यों कर रहे हैं? Because human का जो needs है, human का जो wants है, वो unlimited है. ठीक है, तो ये wants और needs को fulfill करने के लिए trading होना बहुत जरूरी है. ठीक है, because consumer को अगर अपना wants satisfy करना है, needs satisfy करना है, तो वो क्या करेगा? वो products खरीदेगा. ठीक है, और वो किधर से खरीदेगा? सेलर से खरीदेगा. सो देयर इज अ बायर एंड अ सेलर. ठीक है, बायर क्यों खरीद रहा है? बिकॉज उसका वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सेलर क्यों बेच रहा है? बिकॉज उसको कमाने का है. सो देयर इज बायर एंड सेलर. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला है? बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ट्रेड में कैसा है कि फ्री का गुड्स तो बेचा नहीं जाता है. आप जाते हो ग्रोसरी शॉप में, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपको फ्री का तो देता नहीं, उसके जगह पे आपको पैसा देना पड़ता है. अब वो जब आप पैसा देते हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, ह्यूमन दो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है सर? व्हेन योर मॉम इज कुकिंग फूड फॉर यू आउट ऑफ लव, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, आपके माँ ने आपके लिए प्यार से खाना बनाया. ठीक है, उसके बदले में आपसे पैसा लेते हैं क्या? नहीं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है? जिसमें मनी इन्वॉल्व है. तो ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. याद रखना, फिलहाल मैं आपसे पूछते हैं, डैश इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या है? ट्रेड, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी. नाउ इफ यू टॉक व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हेन एन एक्टिविटी इज डन फॉर मॉनिटरी गेन, मॉनिटरी मतलब पैसा, that is to earn money and is called as economic activities. ठीक है, next we come to why was trade started. ठीक है, trade ये concept चालू क्यों हो गया, इसका reason क्या था. ठीक है, वो भी देखते हैं. First is trade was started because no nation and no individual is self-sufficient. Self-sufficient का मतलब क्या है? कि कोई भी individual सब कुछ बना नहीं सकता है. आप घर पे खाना बना सकते हो, बट खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आप ग्रो कर सकते हो क्या? खुद से नहीं. आपको किसी पे डिपेंड होने का जरूरत पड़ता है. वैसे इंडिविजुअल का देखेंगे तो वैसे कोई भी कंट्री भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, अगर मैं कंट्री का बात करूं तो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया डिपेंड्स ऑन सऊदी अरेबिया फॉर मिनरल ऑयल एंड सऊदी अरेबिया डिपेंड्स ऑन इंडिया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. So, कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर एनी रिसोर्सेस. इसके लिए ट्रेड चालू हुआ. ट्रेड मतलब क्या है? अभी इंडिया को अगर मिनरल ऑयल चाहिए तो किससे खरीदेगा? सऊदी अरेबिया से. और सऊदी अरेबिया को अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए तो किससे खरीदेगा? इंडिया. तो ट्रेड हो रहा है क्या? नहीं. बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है क्या? नहीं. सो ट्रेड इसके लिए चालू हुआ बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स. बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स नो नेशन इज सेल्फ सफिशियंट एंड दैट्स व्हाई द ट्रेड वॉज स्टार्टेड. जैसे यहाँ पर देखो, अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, हैज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बट डिपेंड्स ऑन एशियन कंट्री फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ठीक है,
मतलब क्या कहते हैं, अमेरिका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है बट इंपोर्ट क्या करता है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सो दिस इज द रीजन दैट द ट्रेड वॉज स्टार्टेड. ओके, अभी जब ट्रेड चालू हुआ था इनिशियली, तो इनिशियली वो मॉनिटरी नहीं था, ठीक है, इनिशियली करेंसी नहीं था. तो जब करेंसी नहीं था तो तभी कैसा ट्रेड होता था, बार्टर ट्रेड होता था, ठीक है. अब बार्टर ट्रेड क्या है वो भी देखते हैं. बार्टर ट्रेड मतलब क्या है, गुड्स के बदले गुड्स या गुड्स के बदले सर्विस. इसमें करेंसी पैसा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था, इट वॉज गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेस. अभी बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेस. लैक ऑफ कोई, अभी बार्टर सिस्टम था ना ये बहुत अच्छा था ना, तभी पैसा नहीं था तो कमाने का जरूरत नहीं पड़ता था. जो भी आप ग्रो कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको एक्सचेंज करो और उसके बदले आपको गुड्स और सर्विस मिलता था. बट प्रॉब्लम हुआ कि बार्टर सिस्टम एक एक सर्टन फेज के बाद में बंद हो गया, ठीक है, खत्म हो गया बार्टर सिस्टम. ओके, अब ये बार्टर सिस्टम बंद क्यों हो गया, व्हाट वाज द रीजन. उसके तीन रीजन है. पहला है लैक ऑफ कोइंसिडेंस. अब ये लैक ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है वो मैं ध्यान से बता रहा हूं, सुन लेना. सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग एप्पल्स, ठीक है, वो एप्पल ग्रो करता है, वो एप्पल बेच रहा है. एंड देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाता है और फर्नीचर कारपेंटर है, फर्नीचर बना के फर्नीचर बेच रहा है. अब वो फर्नीचर जो बेच रहा है उसको एप्पल्स चाहिए, ठीक है, उसको घर के लिए एप्पल्स चाहिए. वो एप्पल वाले के पास जाता है, वो बोलता है कि ये ले, मेरे पास एक फर्नीचर है, ये फर्नीचर ले, एक्स वाई जेड फर्नीचर, और मेरे को इतना एप्पल्स दे. लेकिन वो एप्पल वाले को फर्नीचर नहीं चाहिए, तो मेरे को पता वो एप्पल वाला फर्नीचर नहीं लेगा तो बार्टर सिस्टम होगा क्या, नहीं. तो यहां पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कोइंसिडेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब एप्पल वाले को भी फर्नीचर चाहिए और फर्नीचर वाले को भी एप्पल चाहिए, तो ही बार्टर सिस्टम हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. दूसरा था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इसका मतलब क्या है, सपोज इफ अ पर्सन इज गोइंग टू बाय अ हॉर्स, घोड़ा खरीदने जा रहे, घोड़ा, ठीक है, चलाने वाला घोड़ा, ओके. अब ये हॉर्स खरीदने जा रहा है वो स्टेबल पे, तो वो इन अपने साथ 40 केजी वीट लेके जाता है, ठीक है, ही टेक्स 40 केजी वीट विद हिम. वो जो घोड़ा संभाल रहा है, जो बेच रहा है ना हॉर्स, उसको वो देता है, ये बता, ये ले भाई 40 केजी वीट ले और मुझे वो एक घोड़ा दे दे, मुझे वो हॉर्स दे दे. तो जो बेच रहा है ना हॉर्स, वो बोलता है कि मैं तो अकेला रहता हूं, मुझे 40 केजी वीट का जरूरत नहीं है, इतना वीट का मैं क्या करूं. तो अभी क्या ऐसा बोलेंगे उसको कि ये ले 20 केजी वीट ले और आधा घोड़ा काट के दे, कैन वी डू दैट, नो. सो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. एंड द नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ द गुड्स. वो टाइम पे ना गुड्स का वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल था. आज के रेट में आपको वैल्यू क्यों डिटरमाइन कर पा रहे, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का प्राइस है. आपको मालूम है कि ये पेन 5 रुपए का मिलेगा, ये पेन 100 रुपए का मिलेगा, बिकॉज उसमें प्राइस लिखा हुआ है. बट वो टाइम पे प्राइस ही नहीं था, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मैंगोस एप्पल के जगह पे एक्सचेंज करना है, तो एप्पल और मैंगो का वैल्यू सेम नहीं है. तो अगर कल को मैंने उसको 1 डजन एप्पल लिया और उसके जगह पे 1 डजन मैंगोज लिया, तो उसका तो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि मैंगोज का वैल्यू एक्चुअली एप्पल से ज्यादा है. बट तभी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा था, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, तो लॉस होता था. तो इसके लिए बार्टर सिस्टम है ना आगे जाके चला नहीं, ठीक है. बार्टर सिस्टम बंद हो गया और धीरे धीरे कैसे है कि वी स्टार्टेड यूजिंग करेंसी, और हर एक प्रोडक्ट का भी एट प्रेजेंट हर एक प्रोडक्ट का, हर एक सर्विस का प्राइस है, ठीक है. एंड इफ यू हैव द मनी यू कैन बाय इट. सो पहले बार्टर सिस्टम था, बट अभी नाउ वी हैव मॉनिटरी सिस्टम. अभी कैसे है कि कुछ भी लेना है तो उसके जगह पे पैसा देना पड़ेगा मेजरली. नेक्स्ट इज व्हाट इज विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड. सर ये क्या है, दिखता है नहीं दिखता, ऐसा क्या है वो भी देखते हैं. विजिबल ट्रेड मतलब क्या है, विजिबल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. गुड्स है ना अपने को दिखता है क्या नहीं. सपोज आप नीचे अपने ग्रोसरी शॉप में गए, उसको बोला भैया एक साबुन देना, ठीक है, तो भैया आपको साबुन देता है. आप साबुन को देख सकते हो, आप साबुन को फील कर सकते हो, आप साबुन को स्मेल कर सकते हो. हाँ, वहां पर यूज नहीं कर सकते, वो घर पे यूज करना है. बट कैसे है कि दिस गुड्स आर विजिबल,
यू कैन सी द गुड्स, यू कैन फील द गुड्स, यू कैन टच द गुड्स, ठीक है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड, जो चीज दिखता है और उसका बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है उसको बोलते हैं विजिबल ट्रेड। तो गुड्स का जो बाइंग एंड सेलिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, विजिबल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनविजिबल ट्रेड। अब इनविजिबल, विजिबल ट्रेड मींस मैंने बोला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इनविजिबल ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज अपने को दिखता है क्या, मैं आपको तीन चार एग्जांपल देता तो आपको समझेगा, ओके। फॉर एग्जांपल यू यू बुक अ टिकट ऑफ अ प्लेन, मतलब आप एक एयरवेज का आपने एक टिकट बुक किया है, आप वो प्लेन में फ्लाई करके आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। आपने वो टिकट खरीदा है तो टिकट में आपको सिर्फ प्लेन का सर्विसेज मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, वो टिकट आपने वो सीट का खरीदा है तो साथ में आप सीट भी लेके जाओगे घर पे, ठीक है, वो नहीं कर सकते हो। When you go home, you will only share the experience of the airways. You cannot show the seat or you cannot show the plane. घर पे आप लेके नहीं जा सकते कि देखो ये मैंने खरीदा है। You can only enjoy the service and you can share the experience of the service. जैसे यहाँ पर भी देखो, when education is also a invisible trade. आप जब क्लासेस में आते हो पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ने के बाद में सपोज आपका इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर के बाद में आप जब घर पे जाते हो तो मम्मी को ऐसे बोलते हैं देखो आधा किलो इकोनॉमिक्स आज पढ़ाया, वैसे तो नहीं बता सकते ना, बिकॉज इट इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। आप जब भी वेकेशन के लिए भी जाते हो टूरिज्म के लिए, तो जब आप आते हो तो आप अपने फ्रेंड्स को अपना एक्सपीरियंस बताते हो, because it is invisible industry, tourism is also again a invisible industry. आप जो चीज वहां पर देख के आते हो वो लेके नहीं आ पाओगे, हाँ उसका फोटोज निकालते वो बात अलग है, बट आप प्रैक्टिकली लेके नहीं आ पाओगे, यू कैन ओनली शेयर द एक्सपीरियंस, ठीक है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इनविजिबल ट्रेड। तो ये हो गया विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेड आर ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, दैट इज एक्सटेंट ऑफ द रीजन। सो वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, एंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड, दैट इज डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, तो उसमें है होलसेल और दूसरा है रिटेल। होलसेल ट्रेड मतलब व्हेन द प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑन अ लार्जर क्वांटिटी और इन अ लार्जर क्वांटिटी, व्हेन द गुड्स आर परचेस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक मैंगो का होलसेलर है, तो वो जब जाएगा ना फार्मर से, तो एक डजन दो डजन मैंगो नहीं खरीदेगा, वो कम से कम 1,000 dozen मैंगोज खरीदेगा, बिकॉज ही इज बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी। और जब बेचेगा ना तभी वो ऐसा एक डजन दो डजन बेचेगा नहीं, वो 100-200 dozen बेचेगा। सो वो खरीदता भी है लार्ज क्वांटिटी में और बेचता भी है लार्ज क्वांटिटी में, और वो किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर एज वेल एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो वो होलसेल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। होलसेलर may perform different functions in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumer. पता होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर तक पहुंचाता है, बिकॉज प्रोड्यूसर का गुड्स जो है वो कंज्यूमर तक कौन पहुंचा रहा है, होलसेलर, क्योंकि कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर के पास नहीं आएंगे ना। आप एक कंज्यूमर हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है आप सीधा फैक्ट्री जाते हो, इंडस्ट्री जाते हो, नहीं ना, आप तो शॉप से खरीदते हो, तो आपके शॉप तक कौन लेके आ रहा है, होलसेलर, ठीक है। तो होलसेलर ब्रिंग्स द गुड्स एंड सर्विसेज, इट एनेबल्स द प्रोडक्ट्स टू रीच द कंज्यूमर्स। जैसे कि द ऑर्चर्ड ओनर ऑफ मैंगोस आर और ऑरेंजेस सेल देयर एंटायर प्रोडक्शन टू द होलसेल ट्रेड। जैसा मैंने अभी बोला कि जब होलसेलर खरीदेगा तो एक डजन दो डजन नहीं खरीदेगा, वो 1,000 dozen खरीदेगा। ये हो गया होलसेलर। अब होलसेलर के पास में से प्रोडक्ट किसके पास जाता है, वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास, ठीक है। अभी रिटेल ट्रेड का मतलब क्या है, व्हेन द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और होलसेल ट्रेडर्स एंड सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंड कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है।
अब एंड कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब आप कोई शॉप में जाके खरीदते हो, सपोज आप नीचे के ग्रोसरी शॉप में जाके आपने दो तीन प्रोडक्ट्स खरीदा, तो वह प्रोडक्ट घर पे लेके आप उसको कंज्यूम करते हो, आप वापस उसको बेचते हो क्या? नहीं। आप क्या करते हो, आपको सपोज आपने एक बिस्किट खरीदा या आपने मिल्क पैकेट खरीदा, आपने ब्रेड पैकेट खरीदा, तो आप घर पे आके उसको कंज्यूम करोगे, ठीक है, उसको वापस बेचोगे नहीं। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो यू आर द एंड कंज्यूमर, ठीक है। सो व्हेन द ट्रेडर बायज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन स्मॉल क्वांटिटी एंड सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिटेलर एंड दैट ट्रेड इज कॉल्ड एज रिटेल ट्रेड, ठीक है। द पर्सन हु एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर एंड देर आर सम सेलर्स हु डू बिजनेस एट लोकल लेवल और विद इन द लिमिटेड एरिया। जैसे कि आपके घर के नीचे जो ग्रोसरी शॉप है, वो ग्रोसरी शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड। स्टेशनरी शॉप जो है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट जो बेच रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड। तो ये लोकल लेवल पे ज्यादा काम करते हैं रिटेल वाले, ठीक है। नाउ द शॉपकीपर्स सेलिंग गुड्स वेजिटेबल्स वेंडर्स इन मार्केट्स, ठीक है। तो आपने देखा रहेगा यहाँ पे द शॉपकीपर्स सेलिंग गुड्स वेजिटेबल वेंडर्स इन मार्केट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड। तो ये हो गया रिटेल एंड होलसेलर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रीजन। हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी, नाउ वी आर लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। इसमें भी दो टाइप का ट्रेड है, वन इज होम ट्रेड एंड वन इज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो वन इज डोमेस्टिक ट्रेड एंड वन इज फॉरेन ट्रेड। चलो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब ही मालूम पड़ता है कि दिस ट्रेड इज टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट रीजंस विद इन द सेम कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है या दो सिटी के बीच में, जैसे कि मुंबई और पुणे के बीच में हो रहा है तो वो डोमेस्टिक ट्रेड हुआ, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बीच में हो रहा है तो डोमेस्टिक हो गया, ठीक है। तो डोमेस्टिक ट्रेड हैपेंस विद इन द कंट्री। नाउ द साइज ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट्स द इंटरनल ट्रेड, ठीक है। मतलब अगर आपका डोमेस्टिक ट्रेड किन चीजों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा खासा होगा तो आपका डोमेस्टिक ट्रेड अच्छा खासा होगा, बिकॉज जितना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होगा उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, समझा। तो अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा है तो आपके पास बहुत सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ही तो ट्रेड होगा, ठीक है। तो लोग क्या बोल रहे हैं, जितना ज्यादा रिसोर्सेज है, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, उतना ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेड है, और डोमेस्टिक ट्रेड कोई भी कंट्री में होना बहुत जरूरी है बिकॉज इट मेंटेन्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अभी आपका लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अभी ये जो कोविड कोरोना वायरस हुआ है जिसकी वजह से 3-4 महीना लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन की वजह से डोमेस्टिक ट्रेड को बहुत इफेक्ट हुआ, और उसके वजह से अपना पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है। बायर्स है मार्केट में बट सेलर्स नहीं है, कई कई पे सेलर्स है मार्केट में बट बायर्स नहीं है, तो इससे क्या हो गया, बिजनेस रुक गया है और डोमेस्टिक ट्रेड रुक गया है, ठीक है। इसके लिए डोमेस्टिक ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए चालू रहना। नेक्स्ट वन इज इफ देयर इज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ देन ट्रेड विल आल्सो बी मोर, ये वाइस वर्सा है, ट्रेड अच्छा रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा रहेगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा, दस देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक अंदर ही हो रहा था, इंडिया का एग्जांपल ले रहा है, अब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या, दो कंट्री के बीच में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड मींस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री विद अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे है कि इट कैन बी इंडिया अमेरिका, इट कैन बी इंडिया बांग्लादेश, इट कैन बी इंडिया अफ्रीका, दो कंट्री के बीच में हो रहा है। सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, जैसे कि चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सेस में बनाता है तो ही तो वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया का, इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, एक्सेस में बनाता है, और वो एक्सेस में क्यों बनाता है, बिकॉज जिस कंट्री में उसका डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब कम है, वहां पे वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वही ये पैराग्राफ
एक्सप्लेन कर रहा है कि सम कंट्रीज प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन एक्सेस, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है, कुवैत एंड वीट प्रोडक्शन इन यूएसए एंड कनाडा. तो इनका जो एक्सेस प्रोडक्शन है ना, इट इज सप्लाइड टू द कंट्रीज जहां पर उसका डेफिसिट है. डेफिसिट मतलब कम है. सो द प्रोड्यूसर्स आर सेंट, द प्रोडक्ट्स आर सेंट टू कंट्रीज हैविंग डिमांड फॉर दोज गुड्स. जैसे अपने इधर मिनरल ऑयल का हाई डिमांड है, बिकॉज अपने इधर मिनरल ऑयल उतना मिलता नहीं है, तो हम लोग सऊदी अरेबिया पे भी डिपेंडेंट है. ठीक है, इसके लिए अपने यहाँ पे पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों है, बिकॉज वी इम्पोर्ट मिनरल ऑयल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. दिस लीड्स टू द बिगिनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ये दो टर्म्स है इंटरनेशनल ट्रेड में. एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, व्हेन अ कंट्री बाइज दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर स्कैर्स इन देयर ओन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, इट इज नोन एज इम्पोर्ट. सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट. मतलब अपने कंट्री में कुछ कम है, जैसे कि मैंने बोला मिनरल अपने कंट्री में कम है, तो अपन दूसरे कंट्री से मंगवाएंगे तो उसको बोलेंगे इम्पोर्ट. ठीक है, और अगर अपने कंट्री में कुछ एक्सेस है और उसको हम दूसरे कंट्री में बेचते हैं जहां पर उसका डिमांड है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. ठीक है, तो अपने कंट्री में जो आता है वो बोलते हैं इंपोर्ट, और अपने कंट्री से जो दूसरे कंट्री में जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट. ठीक है, तो अभी यहां पे हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया. अभी और एक स्लाइड है, वो स्लाइड पे मैं आता हूं. ओके, तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड किया. अब एक नया टॉपिक आएगा. ठीक है, नाउ दिस इज अ न्यू टॉपिक. ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया, तो ध्यान देना. इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड. अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या? इस पे ना 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये उसका आंसर है. What is balance of trade? The difference between the import and export value of a country in a specific period is called as balance of trade. मतलब एक साल में उस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है, उस जो बीच का डिफरेंस है ना, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. समझा? The difference between the value बोलेगा तो पैसा, value of import and export of a country during a specific period of time. अभी specific period of time बोला तो एक साल ही हुआ, क्योंकि हर साल नया नया वैल्यू डिटरमाइन होता है, हर साल नया नया कैलकुलेशन होता है. ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक साल का वो लोग हिसाब निकालते हैं. तो एक साल में अगर वो लोग देखते हैं कि एक्सपोर्ट किधर है, इम्पोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, 3 टाइप का है. द फर्स्ट वन इज फेवरेबल ट्रेड, the second one is unfavorable trade, and the last one is balanced trade. तो अपन ये 3 trade पढ़ने वाले हैं. ये बहुत important है, because this is a 3 mark and a 4 mark question. इस पे answer in brief आता है, what is balanced trade and explain types of trade. और बहुत easy है ये. सबसे पहला है unfavorable trade. अब unfavorable trade मतलब क्या है? When the value of the import is more than the value of export. मतलब import ज्यादा कर रहा है कंट्री और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो ये अनफेवरेबल हुआ ना, बिकॉज इंपोर्ट ज्यादा करेगा मतलब कंट्री से पैसा जा रहा है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप खरीद रहे हो, और जब आप खरीद रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपका पैसा जा रहा है. और एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट कम मतलब कैसे है कि आप बेच कम रहे हो और खरीद ज्यादा रहे हो. सो व्हेन यू आर सेलिंग लेस एंड व्हेन यू आर बाइंग मोर, it will affect the economy of the country. So it is unfavorable trade. ठीक है, if you see this, import is more. देखा ना, import का जो square है वो बड़ा है और export का square कम है, तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसा अगर कोई country रहेगा तो वो country financial deficit में रहेगा, financial problems में रहेगा. जैसे कि if you talk about African countries like Zimbabwe and if you talk about Bangladesh. So Bangladesh and Zimbabwe are in deficit. उधर export कम है और import ज्यादा है. समझ में आ रहा है? तो ऐसे countries में financial problems होते हैं.
तो हमेशा कंट्री को अनफेवरेबल ट्रेड नहीं रखना चाहिए। तो ये था अनफेवरेबल ट्रेड। दूसरा है फेवरेबल, उसका उल्टा। When the value of export is more than the value of import, it is called as favorable trade. मतलब ये countries में, ये countries export ज़्यादा कर रहे हैं और import कम कर रहे हैं। तो अब जब export ज़्यादा होगा, तो उतना पैसा आएगा country में, ठीक है? उतना government को पैसा मिलेगा, okay? तो ये अच्छा है। Export should be more and import should be less. अच्छा, कौन से countries में होता है? Germany, सऊदी अरेबिया एंड एज वेल एज चाइना। सो दिस कंट्रीज, अभी आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे, कितना डेवलप्ड है। इफ यू गो ओवर देयर, एवरी पर्सन इज रिच ओवर देयर, ठीक है? आपने देखा रहेगा वहां पर के शेख लोग, दे आर वेरी रिच, फिल्थी रिच। इफ यू गो टू जर्मनी सेम, इफ यू गो टू चाइना सेम। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग ऑन अ लार्जर स्केल, दैट्स व्हाई द कंट्री इज डेवलपिंग, दैट्स व्हाई द पीपल ओवर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दैट पीपल इन द कंट्री इज डेवलपिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसे है कि उनका जो रहने सहने का जो खर्चा होता है वो बढ़ रहा है, ठीक है? क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है? द लास्ट वन इज बैलेंस्ड ट्रेड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बैलेंस्ड ट्रेड, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज ऑलमोस्ट सेम, इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड ट्रेड। अभी ये होना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ थियोरी लिए, पहला दो प्रैक्टिकली हो रहा है, बट ये कैसे है कि बैलेंस मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेम होना बहुत मुश्किल है, बट तो भी ये है कंसेप्ट, तो अपने को पढ़ना है। अगर पूछा व्हाट इज बैलेंस्ड ट्रेड, तो लिखना है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ऑलमोस्ट सेम, इट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड ट्रेड, ठीक है? तो ये था तीन टाइप का ट्रेड। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए आता है। आंसर इन ब्रीफ, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड and what is the what are the types of trade, ये question पूछा जाएगा, ये textual question है, okay? तो यहाँ पर balance of trade हमारा हो गया, okay? Now if you have any doubts regarding today's topic, we can discuss about this. I'll just read out the doubts if you have any doubts. Any doubts? No country have balanced trade? No. I don't think so any country has balanced trade. Okay. If you Google it and if you find it, just let me know. Which country have balanced trade? There is no country who's having a balanced trade. The name of the countries who have unfavorable trade is Bangladesh and Zimbabwe. Which country practices balanced trade? There is no country which practices balanced trade. It is very difficult to do that. Sir, meaning of deficit. Deficit matlab kuch kam hai apne paas. Something less. Usko bolte hai deficit. Jaisa apne paas mineral oil nahi hai. We have a deficit of mineral oil. Jiske liye hum log import karte hai. Sir, in what category India comes? India comes in unfavorable trade right now. Apna ek कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ट्रेड? अगेन देयर इज नो आंसर फॉर दैट। ओके, इफ यू कांट सी माय स्क्रीन बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड द स्क्रीन शेयरिंग। इज होल ट्रेड, होलसेल ट्रेड चीपर देन रिटेल? या होलसेल trade is cheaper than retail, obviously, because उधर कम price में मिलता है। Yes, buying goods from nearby store is called as domestic trade. China is one of the best example who exports products and goods and services on a larger scale. Largest exporter of goods and services is China right now at present. Second is Saudi Arabia.
राशि मोदी मेरे ख्याल से आपको कोई काम धंधा नहीं है,